हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले उसका प्रथम प्रश्न पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, HCF को हम हिंदी में मासापा बोलते हैं, महत्तम समापवर्त्य। तो देखिए, ये तो हमें पता है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका प्रयोग करके हमें ये निकालना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, अब ये क्या होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन से ही इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले वाले भाग में आपको दिया हुआ है कि 135 और 225 का आपको मासापा निकालना है, और आपको बोला गया है जो विधि आपको यूज करनी है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं 135 और 225 में। तो वो आपको सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है 135, क्योंकि आप जानते हैं 135 हमेशा 225 से छोटा होता है। तो अभी आप 225 को अगर 135 से भाग करेंगे तो आपके पास जाएगा, एक बार जाएगा और 135 आ गया। फिर आपको मिलेगा कि एक बार तो जाएगा, लेकिन आपके पास जो शेषफल आएगा वो 90 आ जाएगा। अब इस 90 से आप इस दोबारा 135 में भाग देंगे। तो देखिए, 135 बराबर, अब आप लिखोगे 1 × 90, क्योंकि 90 से एक बार ही जाएगा भाग, लेकिन अभी आपके पास शेषफल 45 आ जाएगा। तभी तो देखिए 90 प्लस 45 135 आएगा। अभी आप अब इस 45 से इस 90 में भाग देंगे। तो देखिए, आपके पास आ जाएगा 90 बराबर, ये तो पूरा पूरा चला जाएगा 2 × 45 प्लस 0। तो जहां पर भी शेषफल 0 आ जाए आप वहां पर रुक जाएंगे तुरंत। और अब यहां पर आप HCF लिख सकते हैं। तो देखिए, HCF यहां पर आपने देखा 45 का भाग 90 में पूरा पूरा चला गया था, इसलिए HCF यहां पर 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये HCF आ जाएगा, और इसी विधि को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये यूक्लिड विभाजन विधि। अब ये समझ लेते हैं, कभी कभार छात्रों को इसमें दिक्कत हो सकती है कि वो एकदम सीधे ये नहीं लिख सकते, है ना, जैसे हमने यहां पर ये लिखा है। तो अभी उसके लिए समझ लेते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा तरीका होता है उसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप 135 से भाग देंगे 225 में, क्योंकि सबसे छोटा तो 135 से 225 से भी, तो वो आपने देखा कि एक बार जाएगा, तो आपने 135 कर दिया। फिर आपको यहां पर मिलेगा 90 शेष। अब इस 90 से आप इस वाले 135 में दोबारा भाग देंगे। तो देखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं। अब देखिए, ये एक बार जाएगा दोबारा, तो ये 90 आ गया, और इस तरीके से 45 आ जाएगा। अब इस 45 से आप 90 में दोबारा भाग देंगे, तो देखिए ये दो बार गया और ये आपके पास 0 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि चूंकि 45 का भाग 90 में देने पर 0 शेष आया था, इसलिए ये 45 ही आपका HCF हो जाएगा। तो अभी आप देखो कि जैसे जैसे हमने यहां पर भाग दिया है, उसी तरीके से हम यहां पर इसको लिखते गए। आप देख सकते हैं, जैसे आपने 225 में 135 का भाग दिया, तो आपने देखा एक बार गया वो और 90 शेष बचा। तो देखिए, हमने 1 × 135 प्लस 90 लिख दिया। इसी तरीके से अब आप इस 90 से 135 में भाग देंगे, तो देखिए ये वाली लाइन लिखी हुई है, एक बार जाएगा, तो देखिए एक बार लिखा है, और आपने देखा शेषफल तो 45 बचा था, तो 45 लिख दिया। अब इसी 45 से आपने देखिए इस 90 में भाग दिया है, अर्थात इसमें भाग दिया, तो आप देखिए दो बार आपका भाज्य हो जाएगा, और यहाँ सॉरी दो बार भागफल हो जाएगा, और आपके पास शेषफल 0 बचेगा। और तब हमने आपको बोला, जब भी शेषफल 0 बचेगा तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपके पास संख्या लिखी होगी वही दी गई दो संख्याओं का HCF या महत्तम समापवर्त्य हो जाएगी। तो देखिए, अब हम दूसरे मेथड, दूसरे वाले प्रश्न पर देख लेते हैं। दूसरे वाले प्रश्न में आपको दिया हुआ है 196 और 38220 है यहां पर। तो अभी आपको इसका HCF अर्थात महत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो देखिए, अगर आप एक बार में सीधे ना लिख पाए, ये जैसे हमने यहां पर लिखा है, तो आप एक बार रफ में कुछ इस तरीके से भाग देकर देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, 196 से हम भाग देंगे 38220 में। तो देखिए, आपके पास 38220 हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां पर आप देखो कि अगर आप 196 से इसमें भाग दोगे तो आपके पास एक बार जाएगा, क्योंकि 196 × 2 392 होता है। तो 196 यहां पर लिख दिया आपने, तो आपके पास देखिए बच जाएगा यहां पर 186, और ये 62 आ गया। अब यहां से आप देखो कि यदि आप भाग दोगे तो ये आपके पास 9 बार चला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये यहां से देखिए 9 × 6 यहां पर
चार आ जाएगा, 9 × 81 = 4, 85 × 5 = 86, 8, 9 × 9 = 8 = 17। तो अभी आप देखो 12 में से 4 गए तो 8 बचे। फिर आपने देखा कि 15 में से 6 जाएंगे तो ये आपके पास 9 बच जाएगा और ये आपके पास 980 बचा है। तो अगर आप 196 से 980 में भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा तो ये आपके पास 980 बच गया। तो आपने देखा कि 196 तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 38,220 को। तो यहां पर चूंकि शेषफल 0 जहां जहां बच जाए आप तुरंत वहां रुक जाएंगे और बोल देंगे ये वाला जो भाजक है वही आपका HCF हो जाएगा। तो अभी तो हमने इसको रफ मेथड से बेसिकली एक बार भाग करके देखा है, अब हम यूक्लिड विधि से इसको लिख देते हैं जो हमने किया है यहां पर। तो देखिए आप लिख सकते हो 38,220 बराबर 195 गुणा 196 प्लस 0 शेषफल आया है। तो चूंकि 0 शेषफल आया है तो आप ये जो भाजक है आपके पास इसी को आप HCF बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपका HCF 196 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 3 पर। तो यहां पर आपको तीसरे भाग में दिया हुआ है, दो संख्याएं हैं 867 और 255। तो अभी आप इनका HCF निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रफ वर्क थोड़ा कर लेते हैं, अर्थात भाग करेंगे 255 का 867 में। तो आप देखेंगे ये आपके पास 3 बार चला जाएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5, 6 और यहां से 7 आ गया। तो अभी आपने देखा ये आपके पास सॉल्व करने पर 102 बचेगा। अब चूंकि शेषफल 0 तो नहीं आया, शेषफल तो 102 आया है, तो अब आप इस 102 से इस 255 में दोबारा भाग करेंगे तो आपके पास ये 2 बार चला जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा 204। तो देखिए आपके पास 51 शेष बचेगा। फिर आपने देखा दोबारा आपके पास 0 शेष नहीं बचा, 51 बचा है, तो आप इस 51 से अब इस 102 में भाग देंगे। तो देखिए 102 में जब आप भाग देंगे तो आप देखेंगे कि ये तो 2 बार आपके पास चला जाएगा भाग पूरा पूरा, तो ये आपके पास 102 आ गया। और यहां पर आपने देखा कि शेषफल 0 बचा, अर्थात कुछ नहीं बचा। फिर हमने आपको बताया था कि जहां पर शेषफल 0 बचे आपको तुरंत वहां रुक जाना है और इस वाले भाग को आप HCF बोल देते थे। तो बेसिकली HCF 51 आएगा, लेकिन ये तो आप रफ में कर रहे हैं क्योंकि यूक्लिड विधि तो कुछ और होती है। तो देखिए यूक्लिड विधि में अब हम लिखते हैं। तो देखिए आप जो जो करते जा रहे हैं भाग में उसको आप लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप था आपके पास 867 बराबर, आपने 255 का भाग दिया तो वो 3 बार गया, तो 3 × 255 प्लस, अब आपने देखा कि शेषफल तो आपके पास 102 आया था तो आपने 102 कर दिया। अब आप यहां से देखो आप लिखोगे 255 बराबर, अब आपने 102 से भाग दिया था तो ये 2 बार गया था प्लस, फिर आपने देखा 51 बचा आपके पास, और फिर आप देखिए 51 से आपने दोबारा भाग दिया था 102 में, तो यहां पर आप 102 गुणा ये देखिए 2 × 51 आ गया प्लस 0 आ जाएगा। चूंकि शेषफल 0 आ गया अर्थात ये जो संख्या है वही आपके पास HCF हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरे भाग का HCF अर्थात महत्तम समापवर्त्य आपके पास 51 आ जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+h के रूप का होता है जहां q कोई एक पूर्णांक है। तो देखिए यहां से आपको ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इनकी फॉर्म में आपको सिद्ध करना है। तो अब आप ये देखो कि 6q+1 यहां पर भी आप देख रहे हो, 6q+3 यहां पर भी आपने देखा, 6q+5 अर्थात आपको ये समझ में आया कि 6 से एक तरीके से उस सम या जो पूर्णांक आपको दिया हुआ है उसमें भाग देना है। तो देखिए अगर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, तो अभी मैं लिख देता हूं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो अभी आपने यहां से हमने ये तो पहचान लिया कि आपको बेसिकली 6 से डिवाइड करने को बेसिकली बोला गया है। तो देखो अगर आप यूक्लिड विधि से लिखोगे इसे तो जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ बार तो जाएगा, तो 6q कर दिया प्लस कोई भी एक शेषफल बचेगा क्योंकि आपने यूक्लिड विधि से देखा था हम इसी तरीके से इसको लिखते थे। तो अब आपने ये भी सीखा था
कि यहां से जो r आएगा वो या तो जीरो आ सकता है, क्योंकि जब 6 से आप किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल है या तो वो जीरो आएगा या एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार या पांच ही आएगा, 6 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि नहीं तो दोबारा वो 6 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो शेषफल तो हमेशा 6 से कम ही आएगा और 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास जो संख्याएं होंगी वो या तो संख्या हो सकती है a बराबर 6q+0, या आपके पास संख्या हो सकती है 6q+1। देखिए अभी मैं आपके पास सभी संभव केस बना दे रहा हूं कि आपके पास किस तरीके की संख्याएं हो सकती हैं। आपके पास हो सकती है a बराबर 6q+2, हो सकता है a बराबर 6q+3 तरीके की कोई संख्या हो, a हो सकता है a बराबर 6q+4 हो या a बराबर 6q+5 हो। तो अभी आप ये देखो कि आपको तो ये सिद्ध करना था कि जो विषम पूर्णांक होंगे, आप देख सकते हैं यहां पर आपको बोला गया है कि विषम पूर्णांक इस रूप के होंगे। तो विषम पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा। तो अभी आप ये देखो कि इसमें तो 6q में केवल लिखा हुआ है, प्लस 0 है तो ये तो 6q ही बचा। तो आप देख रहे हो 2×3q आप लिख सकते हो इसे, इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 का भाग तो आप आसानी से दे सकते हो, तो ये आपके पास संपूर्णांक आ जाएगा। फिर आपने देखा कि इसमें आपके पास 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो 2 का भाग जा रहा है लेकिन आपने 1 जोड़ दिया, तो अभी आपके पास ये विषम बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप 6q+2 देखेंगे तो देखिए आप 2 का कॉमन ले लेंगे, अर्थात आपके पास बच जाएगा कोष्टक में 3q+1। अब चूंकि आपने 2 यहां पर कॉमन लिया तो आपको दिख रहा है कि 2 से तो आप पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, अर्थात ये आपके पास संपूर्णांक हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 6q+3 है तो यहां पर आप 2 से कॉमन नहीं ले सकते पूरे पूरे में से, तो ये आपके पास विषम पूर्णांक हो जाएगा। आप यहां पर देखेंगे तो 6q+4 इसे आप 2 कॉमन लेके 3q+2 लिख सकते हैं। अब चूंकि आपने 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि 2 से भाग तो संभव है इसमें, अर्थात ये आपके पास संपूर्णांक आ जाएगा और ये आपके पास अंत में विषम पूर्णांक आ जाएगा। तो अभी आप देखो कि आपने ये भी पता कर लिया कि विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपको मिला या तो 6q+1 टाइप का हो सकता है, या 6q+3 तरीके का हो सकता है विषम पूर्णांक, या आप देख रहे हैं जो विषम पूर्णांक आएगा वो 6q+5 तरीके का हो सकता है। तो आप देखिए आपको यही सिद्ध करना था कि जो विषम पूर्णांक आएगा वो इन तीनों तरीके में से किसी एक तरीके का ही होगा, तो आपने यहां पर इसको सिद्ध भी कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अब आप देखिए इस प्रश्न की लैंग्वेज को, यहां पर आपको बोला गया है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। अधिकतम मतलब होता है महत्तम। अब आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो 32 सदस्य हैं उनके भी स्तंभ आप बनाएंगे तो समान होने चाहिए, और यहां जो 616 सदस्य हैं उनके भी अगर आप स्तंभ बनाओगे तो वो समान संख्या में ही होने चाहिए। तो अब यहां से आपको पता लगा कि ये तो महत्तम समापवर्ती वाली कंडीशन हो जाएगी, अर्थात अब आपको 32 और 616 का महत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो अब देखिए यहां पर इस प्रश्न में तो बोला नहीं गया है कि आप किस तरीके से महत्तम समापवर्त्य निकालते हैं। तो देखिए यहां पर आप इसको सीधे भाग करते हैं, तो आप सबसे छोटी संख्या 32 है उससे 616 में भाग करते हैं। तो देखिए आपके पास ये एक बार जाएगा और यहां 32 बचा, फिर आपके पास यहां पर बचेगा 29 और ये 296। अब आप 32 से 296 में भाग देंगे तो देखिए आपके पास ये 9 बार चला जाएगा और यहां जाएगा 9×2 18 और यहां पर 88, तो 288 आ गया। अब यहां से आप देखिए 16 में से यदि 8 जाएंगे तो आपके पास 8 बचेगा, और अब चूंकि यहां पर शेषफल 8 बचा है केवल, तो अब इस 8 से आपको इस 32 में भाग देना है। तो देखिए आप भाग देंगे तो आपके पास ये 4 बार चला जाएगा। तो आपने देखा आपके पास शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा, अर्थात 0 बचा है। तो जब भी शेषफल आपके पास कुछ भी नहीं बचाओ तो जो आपके पास भाजक होता है इसी को आप HCF बोल देते हैं। तो यहां से जो आपके पास HCF हो जाएगा वो 8, और यही आपका बेसिकली उत्तर हो जाएगा। अर्थात आप बोलेंगे
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए जिसमें 32 सदस्य भी समान संख्या में आएंगे और 616 सदस्य भी आ सकते हैं। ये तो आपके पास बेसिकली एक तरीका रहा महत्तम समापवर्त्य निकालने का। अब देखिए महत्तम समापवर्त्य आपको निकालना है 32 और 616 का। तो देखिए अब हम मेथड 2 से सीखते हैं कि महत्तम समापवर्त्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप 32 के गुणनखंड निकाल लीजिएगा। तो गुणनखंड कुछ आप इस तरीके से निकालते थे छोटी कक्षाओं में, ये आप 2 कर से भाग देंगे तो ये 16, फिर 2 से आप ये 8 बार जाएगा, ये 2 से ये 4 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये दोबारा करूँगा तो 1 बार जाएगा। अर्थात आपको समझ में आया कि 32 को तो आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो भी अभाज्य गुणनखंड होते थे उनसे हम भाग देते थे। अभी इसी तरीके से आप 616 को भाग देंगे। तो देखिए 616 को यदि आप भाग देंगे तो देखिए सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा, तो उससे आप भाग दे के देखेंगे तो ये भाग तो चला जाएगा क्योंकि 6 एक सम संख्या है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 308। फिर देखिए दोबारा आप 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक तो सम है, तो 2 से आपने भाग दिया तो ये आपके पास 154 आ गया। फिर आप देखिए 2 से भाग देंगे तो आपके पास 77 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखो कि अब 2 से भाग यहाँ पर नहीं जाएगा, तो आप 7 से भाग दोगे तो ये 11 आ जाएगा, और 11 से यदि आप भाग दोगे तो ये आपके पास 1 बच जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 616 के गुणनखंड लिखोगे तो आपके पास हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 7 × 11, क्योंकि ये जो संख्याएं होती हैं यही आपके पास गुणनखंड होती थी। तो आपने 32 और 616 दोनों के गुणनखंड लिख दिए। अब महत्तम समापवर्त्य चूंकि आपको निकालना है, तो महत्तम समापवर्त्य वो संख्याएं होती हैं जो दोनों में कॉमन आए, जो 32 के गुणनखंडों में भी कॉमन आए और 616 में भी गुणनखंड में कॉमन आए। तो देखिए यहां पर 1 2 आ रहा है तो 1 2 ये आ गया, तो आपने 2 लिख दिया। इसी तरीके से देखो ये वाला 2 और 1 यहां पर भी 2 आएगा तो ये भी बेसिकली कॉमन आ रहा है अर्थात उभयनिष्ठ आ रहा है। इसी तरीके से आपने देखा ये और ये भी आपके पास कॉमन आ जाएगा। फिर आपने देखा आपके पास 2 और गुणा 2 बचा और यहां 7 × 11 बचा, इनमें कोई भी कॉमन तो आपके पास है ही नहीं। अर्थात अब जो आपने HCF लिखा था ये यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास HCF 8 आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी 8 हो जाएगा कि वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 को अब हल कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो अभी आप ये देखो कि यहां पर अगर आप कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक आपके पास a है, तो यहां से अगर उस धनात्मक पूर्णांक को आप 3 से विभाजित करोगे, तो 3 से यदि आपने विभाजित किया तो आपके पास जो भागफल आया मान लीजिए q आया, तो आपके पास जो शेषफल बचेगा वो तो r आया। तो यही तो आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। तो आपने देखा कि जो शेषफल आएगा 3 से आप भाग दे रहे हैं तो शेषफल अर्थात r जो है वो या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, इससे कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, ये आपने सीखा ही है। अर्थात आपको समझ में आया कि जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक है a, वो या तो 3 क्यू तरीके का हो सकता है या आपके पास जो संख्या है a वो 3 क्यू प्लस 1 तरीके की हो सकती है, या जो संख्या a आपने मानी थी वो 3 क्यू प्लस 2 तरीके की हो सकती है। तो देखिए आपको ये तो समझ में आ गया। अच्छा ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो यहां पर q होता है वो एक इंटीजर अर्थात पूर्णांक ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप भाग देते हो तो भागफल तो पूर्णांक ही होना चाहिए। तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया था कि पूर्णांक को वर्ग करना है, तो यहां पर देखो अगर आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर का वर्ग अर्थात ए स्क्वायर अर्थात 3 क्यू का वर्ग करना पड़ेगा तो ये 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहां पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां पर इस संख्या का स्क्वायर करोगे तो 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो उसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। या अब देखिए अगर आप इस a का वर्ग करोगे तो a स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का वर्ग, और देखिए अगर आप इसको हल करोगे तो a स्क्वायर ये आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 के बराबर। तो अभी आप ये देखिए कि यहां से ये संख्या आप लिख सकते हो a स्क्वायर बराबर 3
को कॉमन ले लिया तो 3q² आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हो a² बराबर, देखिए 3 आप इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। और देखिए अगर आप यहां से a² आप लिख सकते हो, देखो 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 आप लिख सकते हो। तो अभी आप इस वाले भाग में से देखिए 3 कॉमन ले लीजिएगा, अगर आप 3 कॉमन लोगे तो a² बराबर कोष्ठक में आपके पास बच जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 बच जाएगा। देखिए फिर आप ये देखिए कि अब चूंकि q तो एक पूर्णांक था तो 3q² ये भी तो एक पूर्णांक ही आएगा, अर्थात आप देख रहे हो कि ये आपके पास 3m तरीके की संख्या है जहां m एक पूर्णांक है। तो आपने देखा कि जो ये वर्ग आया वो 3m तरीके का आया है। इसी तरीके से आप देखो ये भी तो आपके पास एक पूर्णांक ही है, अगर इस पूर्णांक को आपने m मान लिया तो ये भी आपके पास a² जो आया अर्थात वर्ग उस संख्या का वो 3m+1 तरीके का आया। और यदि आप देखो यहां से q चूंकि एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक और 1 भी एक पूर्णांक होता है, तो ये सब मिला के भी एक पूर्णांक ही आएगा। तो यहां से भी आपने देखा कि ये आपके पास 3m+1 तरीके का ही होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तीनों m जो यहां पर और मैंने यहां पर लिखे हैं वो तीनों m बराबर नहीं है, बस m इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि m कोई भी एक पूर्णांक है। तो देखिए आपने देखा कि धनात्मक संख्या का यदि हमने वर्ग किया, आप देख सकते हैं वर्ग करने को आपको बोला गया था, धनात्मक पूर्णांक का यदि आपने वर्ग किया तो या तो वो 3m तरीके का आएगा या 3m+1 तरीके का आएगा, इसी बात को आपको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न सिद्ध हो चुका है। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। यहां पर आपको इस प्रश्न में बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने जैसे पिछले प्रश्न में माना था कि कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं और यदि आप उसे 3 से विभाजित करें तो कुछ पूर्णांक बार वो जाएगा अर्थात भागफल q आ गया और कुछ शेषफल भी बचेगा। तो यहां से आपको समझ में आएगा q तो एक पूर्णांक होना चाहिए, तो आपने वो लिख दिया क्योंकि आप जानते हैं भागफल तो एक पूर्णांक ही आएगा और शेषफल r आया। अब आप समझते हैं कि r की वैल्यू आपके पास 0, 1 या 2 ही हो सकती है, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या में 3 से विभाग करोगे, 3 से विभाजित करोगे उस संख्या को, तो आपके पास शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आ सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि वो संख्या आपके पास जो a आपने मानी थी वो या तो 3q तरीके की होगी या आपके पास वो संख्या 3q+1 तरीके की होगी, क्योंकि जब r का मान 1 हो जाए, या जब r का मान अगर आपने 2 मान लिया तो आपके पास वो संख्या 3q+2 तरीके की हो सकती है। तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया था उस धनात्मक पूर्णांक का आपको तो घन निकालना है, अर्थात घन निकालना है मतलब आपको पावर 3 कर देनी है। तो देखिए 1 का घन अर्थात 1³ या हम बोल सकते हैं 1³ बराबर यहां पर 3q³ आ जाएगा। तो यहां से आपने देखा 1³ बराबर 27q³ आ गया। या अब देखिए अगर आप इस वाले अगर संख्या थी तो इसका घन करोगे तो 1³ ये आपके पास आ जाएगा 3q+1³। तो देखिए ये आपके पास आ गया 9q³ + 1q+9q³ 3q+1। तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 1³ बराबर देखिए 9q³ प्लस, अब देखिए इसमें यदि आप पहले इनको गुणा कर दो, इस 1³ को सबसे अंत में लिखेंगे हम, तो ये 27q² आ जाएगा प्लस 9q का जब आप 1 से गुणा करोगे तो 9q आ गया और इस 1 के क्यूब अर्थात 1 को आप यहां लिख दो। तो अब आप देखो कि जब आप इसको करोगे 1³ तो ये आ जाएगा 3q+2³। तो इस तरीके से आप देखो 1³ आपके पास आ जाएगा 9 यहां पर 3q का क्यूब था तो यहां पर भी आपके पास 27q³ आ जाएगा। तो यहां मैं 27q³ लिख दिया, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखें। इसी तरीके से देखिए यहां पर भी आपके पास आ जाएगा 27q³ + 8 प्लस ये आपके पास 12q और कोष्टक में 3q+2 आ जाएगा। तो अभी आप जब इसको थोड़ा सरल करोगे तो
तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 8। तो देखिए अभी आपने उस धनात्मक पूर्णांक अर्थात ए का घन तो कर दिया है। अब आप यहां से ये देखो कि आपको जो सिद्ध करना था, जो आपको ये घन आया, आपको बोला गया था ये आपको सिद्ध करना है, वो इस तरीके का आएगा। तो 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, इससे आप ये तो समझ में आ गया आपको कि 9 से बेसिकली इनको विभाजित करना है। तो अभी आप देखो, यदि आप 9 से विभाजित करोगे सभी संख्याओं को, तो देखो a क्यूब इसको आप लिख सकते हो 9 कॉमन लेके 3 क्यू क्यूब। इसी तरीके से आप देखो a क्यूब, आप इसमें भी 9 से देखिए इतना कॉमन ले सकते हो 9, तो आपके पास आ जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। और देखिए अगर आप यहां पर देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब बराबर, अब यहां से आप देखो कि ये आ गया 9 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहां पर आपके पास 36 आएगा, तो ये आपके पास 108 क्यूब आ गया, सॉरी यहां पर 72 क्यूब आ जाएगा, इसको हमने थोड़ा गलत कर दिया था, ये आपके पास आ जाएगा 108 क्यू स्क्वायर प्लस 72 क्यूब। तो देखिए इसमें आपने 9 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाएगा यहां से 12 क्यूब प्लस 8 प्लस 8। तो देखिए आपने ये तो लिख दिया, अब फिर आप देखो कि ये तो एक पूर्णांक ही होगा, अर्थात आपको ए क्यूब अर्थात उस धनात्मक पूर्णांक का घन 9m तरीके का मिल रहा है। अगर आपने इसको m माना, m तो बेसिकली पूर्णांक को डिनोट कर रहा है, ए क्यूब यहां से अगर आपने ये पूर्णांक आपको दिखाई दे रहा है तो ये 9m प्लस 1 तरीके का आया, और यहां से आपने देखा कि ये भी तो एक पूर्णांक ही होगा क्योंकि q, 8 और ये q सब पूर्णांक ही है, तो पूर्णांकों का युगफल हमेशा पूर्णांक ही आएगा, तो ये 9q प्लस 8 तरीके का आएगा। तो आपने यहां से देख लिया कि जो धनात्मक संख्या आपने मानी थी अगर आप उसका घन कर रहे हो तो वो आपके पास या तो 9m तरीके का आएगा, या 9m प्लस 1 तरीके का आएगा, या 9q प्लस 8 तरीके का आएगा। तो आप यहां पर देखो कि आपको यही दर्शाने को बोला गया था। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को हल कर दिया है, और आप अंत में लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड